अब लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी लगाते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लिखा है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर, भैया रेक्टेंगल की पेरीमीटर की बात आई तो लेंथ होता है और क्या होता है, ब्रेथ होता है। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। अब देखो यहाँ पे बोला है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 240 मीटर। ठीक है, इन इट्स लेंथ, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पेरीमीटर दे रखा है 240 मीटर और बोल रहा है कि लेंथ अगर 10% कम हो जाती है, अगर लेंथ पहले रही होगी लेंथ, फिर वो 10% डिक्रीज मतलब कम हो गई, अगर लेंथ 10% कम हो जाती है और ब्रेथ 20% बढ़ जाती है। देखो यहाँ लिखा है ना कि डिक्रीज बाय 10% एंड इट्स ब्रेथ बाय 20%, इस ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब लेंथ 10% कम हो जा रही है और ब्रेथ 20% बढ़ जा रही है, तब भी हमें सेम पैरामीटर मिलता है। ये कैसे, मतलब पहले जो लेंथ और ब्रेथ थी उसको प्लस किया तो पैरामीटर कितना आया, 240 आया, फिर लेंथ कम हो गई ब्रेथ बढ़ गई, सॉरी यस लेंथ कम हो गई ब्रेथ बढ़ गई, तब भी वही पैरामीटर आ रहा है। तो बताओ भैया कि लेंथ ब्रेथ है क्या, तो नहीं पता, पता होता तो अच्छी बात होती, तो मान लेते हैं उसको, क्या मान लेते हैं कि हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया एंड, और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं बी आर ई ए डी टी एच, वही तरह वाई लेट कर लेते हैं। ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन अभी समझाया, अब उसके बाद दूसरा समझा रहे हैं उसी तरीके से है, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। लेंथ हो गई एक्स और ब्रेथ को क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक, अब ये बताओ कि फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन में ये है कि भैया फर्स्ट कंडीशन में है कि दोनों का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है टू ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है। ठीक है, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है, और एक मिनट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया कितना है, सर दिया है 240 दिया है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं टू ब्रैकेट में एल प्लस बी, दोनों बातें सेम है, वो भी किसके बराबर होगा 240 के, लेंथ की जहाँ पे एक्स रख दो, ब्रेथ की जहाँ पे वाई रख दो, एक्स प्लस वाई हो गया और यहाँ पे टू लगा दिया इज इक्वल टू 240, टू मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन टू, कट के आ गया 120, सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 120। ठीक है, देखो ये एक वैल्यू आ गई और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देंगे, बस अभी इक्वेशन से याद आ जाएगा कि अभी एक और इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन बना अभी एक और इक्वेशन बनेगा, फिर दोनों को प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, फिर एक की वैल्यू निकलेगी उसको उठाकर दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू आ जाएगी, काम खत्म, पैसा। ठीक, ये आ गया, अब देखो ध्यान से समझो, ये हो गया। अब उसके बाद सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में ये बोल रहा है कि ध्यान से देखना, सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर लेंथ 10% कम हो जाए तो कैसे कम होगी, तो यहाँ पे हम न्यू लेंथ की बात कर रहे हैं क्योंकि अब वो लेंथ कुछ और है, अब लेंथ कम हो जाएगी, तो अब यहाँ पे जो नई लेंथ बनेगी, क्योंकि उसने बोला है कि 10% लेंथ कम हो जाएगी, तो ध्यान रखो कोई भी चीज़ दुनिया में कुछ भी है सब 100% होता है, अगर कुछ कम हुआ तो नहीं 100% में से माइनस करो, तो भैया लेंथ पहले 100% रही होगी, 100% मतलब पूरा 10% कम हो गया, तो कितना परसेंट बचा, सर 100 में से 10 निकला तो 90 बचा, तो इसका मतलब अब लेंथ 90% बची हुई है। जैसे हम कहते हैं कि केक था उसको मैंने 50% खा लिया, 50% मतलब आधा खा लिया तो आधा बचा है, 50% खा लिया तो 50 बचा है, अगर 60% खाया होता तो 40 बचता, 20 खाता तो 80 बचता, उसी तरीके से लेंथ पहले थी पूरी, 10% निकल गई तो कितनी बची, 90% बची। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे नई लेंथ लिखेंगे कि 90%, किसकी 90% ऑफ करके लिखेंगे x, ध्यान रखना 90% ऑफ x हो जाएगा। ठीक, 90% ऑफ x का मतलब ये है कि पहले x था, लेंथ कितना था, x था टोटल, अब उसका 90% बचा है, ऐसे बोला जाता है कि लेंथ x थी, x मतलब टोटल लेंथ थी, अब उसका 90% बचा है, तो उसको बोलने के लिए तुम क्या ऐसे ही तो लिखोगे, अभी तुम कह दो कि 90% बचा है तो तुम्हारे दिमाग में आएगा या दूसरे दिमाग में आएगा किसका 90% बचा है, या कह दे कि भैया सिर्फ आधा ही बचा है, क्या आधा बचा है भैया, दोगुना हो गया क्या, दोगुना हो गया भैया, तीन गुना हो गया क्या, तीन गुना हो गया भैया, 20% बचा है उसका, जैसे कहते हैं 20% बची है, क्या बची है, बैटरी बची है,
तो टोटल की तो है, तो कुछ बताना पड़ता है ना उसके साथ में कि किसका किसका, तो उसके लिए ऑफ करके लिखते हैं। तो 90% बचा है लेंथ का, लेंथ कितनी थी पहले एक्स, और ब्रेथ न्यू, ब्रेथ ब्रेथ की बात कर लेते हैं, तो ब्रेथ कितनी बढ़ गई है, ब्रेथ बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है 20%, तो ब्रेथ बढ़ गई है, तो भैया 100% कोई चीज होता है बढ़ गया तो 120% किसका, ब्रेथ का, ब्रेथ क्या है वाई, यहाँ पे लिखेंगे 120% ऑफ वाई, ठीक समझे। अब देखो जो लेंथ है इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, 90% को लिख सकते हो 90/100, और ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई एक्स, कट गया आ गया यहाँ पे 9/10 एक्स हो गया, ठीक। इसको चाहो तो तुम पॉइंट भी बना सकते हो, पॉइंट बना ले तो आसान हो जाएगा हमारे लिए थोड़ा सा, यहाँ पे हो जाएगा 0.9x हो गया, ठीक। इसको सॉल्व करो 120/100, क्योंकि परसेंट हटता है तो 100 लगता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई वाई, कट गया इसका आधा हो गया 6, इसका आधा हो गया 5, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो मतलब ये आया 6/5y आ गया, और 5 × 5 होता है 1, 5 × 2 = 10 होता है, ये हो जाएगा और 1.2y आ जाएगा, ठीक। 5 × 5 और 1 बचा, इधर 10 हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया, 1.2y आ चुका है। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। नया लेंथ हमारे पास है, नया ब्रेथ है, तो कह रहा पेरीमीटर उतना ही होगा, लेंथ बढ़ गया ना, लेंथ कम हो गया, ब्रेथ बढ़ गया, तो पेरीमीटर उतना ही रहेगा, तो फिर लिखो, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फिर से लिखेंगे, क्योंकि फिर दूसरा है लेंथ ब्रेथ बदल गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर उतना ही रहेगा, उतना मतलब 240 रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 (l + b) = कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, 2 l के जहाँ पे क्या लिखोगे, अब l के जहाँ पे 0.9x लिखेंगे, पहले क्या लिखे थे x और y, अब लेंथ कम हो गई ब्रेथ बढ़ गई तो अलग अलग लिखेंगे, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 1.2y = 240, 2 धल्ला के डिवाइड करा दो, 0.9x + 1.2y = हो जाएगा 240/2, उधर मल्टीप्लाई में था ना ब्रैकेट के बाहर, चाहे अंदर मल्टीप्लाई कराओ चाहे डायरेक्ट लाके डिवाइड करा दो, तो ये कट के कितना आ गया 120, सो 0.9x + 1.2y = यहाँ कितना आ गया 120 आ गया, इक्वल टू करके 120, और ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक। इतनी बात समझ में आई भैया, ये हो गया। अब देखो देखो और सीखो, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा सेकेंड इक्वेशन, अब हमने कहा था फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को कर दो प्लस, तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसमें LHS है RHS है, हाँ सर है, ये जो इसमें है इसमें भी LHS है और RHS है, हाँ है, उसमें भी LHS RHS है, इसमें भी LHS RHS है, तो देखो अगर ध्यान से देखो कि दोनों का RHS इक्वल है, अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों का RHS इक्वल है, दोनों का RHS इक्वल है, तो इसका मतलब कि LHS भी इक्वल होगा, इसका मतलब LHS भी इक्वल होगा, क्योंकि RHS अपने LHS के बराबर है, RHS अपने LHS के बराबर है, और ये दोनों RHS भी बराबर हैं, तो दोनों LHS भी बराबर होंगे, यस सर, समझे सर, ठीक। तो यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, उसका LHS लिखो क्या लिखा है x + y, और इसका LHS लिखो क्या लिखा हुआ है 0.9x, और प्लस करके 1 पॉइंट क्या हो जाएगा भाई 1.2y हो जाएगा, समझे। ये बात समझ में आई, अगर RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, फैमिली को इकट्ठा करो, x x को उधर ले आओ, तो हो जाएगा x माइनस 0.9x हो जाएगा, और इक्वल टू करके 1.2y है, y को उधर ले आओ, समझे, कंफ्यूज तो नहीं हुए, x वाले को x के पास भेज दिया, y वाले को y के पास, 0.9x इधर चला गया, प्लस में था माइनस में, y इधर से इधर आ गया, 1.2y इधर से पहले से था माइनस हो गया। अब x में से अगर 0.9x निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे होता है 1, ठीक। तो 1 में से अगर 0.9 निकालोगे, तो यहाँ निकालते हैं, 1 में से अगर 0.9 निकालेंगे तो पहले इसको पॉइंट वाला बनाओ, फिर 0.9 जब निकालोगे माइनस करके तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0.1, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 0.1x, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे भी 1.2 में से अगर हम लोग 1 निकाल दें, 1.2 में से अगर हम लोग 1 निकाल दें तो बचेगा हमारा 0.2, यस, क्या बचेगा 0.2, और 0.2y हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना, क्या हो जाएगा 0.2y हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं,
अब देखो यहाँ पे x को छोड़ो और 0.1 यहाँ पे है, देखो यहाँ 0.2y है और अपॉन में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो 0.1 आ गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 2y आ गया, आ गया ना। देखो x की वैल्यू आ चुकी है आपके सामने, x की वैल्यू क्या आई है 2y आ चुकी है, ध्यान देना x की वैल्यू 2y आ चुकी है। अब देखो थोड़ा सा काम और बाकी है बस, x की वैल्यू 2y आ चुकी है, 0.1 यहाँ मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में हो गया, डेसिमल से डेसिमल काट दिया क्योंकि डेसिमल के बाद सेम डिजिट थे, सेम क्वांटिटी में डिजिट थे, कट गया, x की वैल्यू 2y आ गई। अब यही वैल्यू उठा के तुम रख दो यहाँ पे, तो ये इसके बाद करा जाएगा, जगह नहीं है इसलिए यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, किसकी वैल्यू निकल के आई है x की, इन इक्वेशन फर्स्ट पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, x की जहाँ पे 2y रख दो तो यहाँ हो जाएगा 2y प्लस y इज इक्वल टू 120 और दोनों मिलके हो जाएंगे 3y इज इक्वल टू 120 और 3 और y आपस में मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन में आ जाएगा 3। अभी कटेगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाह भाई वाह, बड़े देर के बाद y की वैल्यू कितनी आई 40। अब यही वैल्यू उठा के तुम किस में रख दो, चाहे यहाँ रख दो कहीं भी रख दो, पहला क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा पहला, दूसरा कहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, या फिर इसी में रख देते हैं, फिर से इसी में रख देते हैं, तो चलो इसी में रख देते हैं, तो y की वैल्यू इसमें रखो, फिर लिखो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो y की यहाँ पे क्या रखोगे 40, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 120, सो x इज इक्वल टू 120 माइनस 40 दैट इज 80, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 80, समझे भैया, तो यही खेल है। और x की वैल्यू यहाँ पे देखो, x की वैल्यू आ गई 40 और उसके बाद y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू आ गई थी 40, सो आपका लेंथ कितना होगा, सो यहाँ पे लिख दो कि लेंथ कितना होगा, l मतलब लेंथ हो गया, लेंथ को x माने थे 80 और मीटर आ गया, राइट मीटर ही है ना, और ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ आ गया 40 मीटर। तो भैया ये हो गया आपका क्वेश्चन एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और चला 80 और 40 दोनों को प्लस करो कितना होता है 120, 2 से मल्टीप्लाई करो 240, यस पेरीमीटर रेडी है, तो क्वेश्चन भी आपका सही है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखना, रिवर्स करके देखना, नहीं तब भी नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल टेल यू अगेन, सो इसको लगाइए फिर इरेज करके लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। सो चलिए लगा तो लिए ही होंगे, अब इसको हम इरेज कर देते हैं और वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अब उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इस लास्ट क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, इसको हम थोड़ा सा लगा के फिर होमवर्क देंगे, तो जो पहले अभी कराया था शायद 17 में वही तरह है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर, फिर से दो डिजिट का नंबर आ गया, फिर से कितने डिजिट का, दो डिजिट का नंबर आ चुका है, तो वो दो डिजिट के नंबर क्या होंगे, एक होगा x और एक होगा y। चलो इस तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर से वही चीज़ दोहरा रहे हैं कि दो डिजिट का नंबर है, दो डिजिट का जो नंबर होता है वो 10 से स्टार्ट होता है, 99 पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो दो डिजिट का कौन सा नंबर है हमें पता नहीं, तो एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो लिखते हैं लेट डिजिट ऑन टेंस प्लेस, हम लोग जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको क्या मान लिया, उसको मान लिया x एंड डिजिट ऑन वंस प्लेस वाले डिजिट को क्या मान लिया, उसको मान लिया y, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, उसमें हमने ऊपर लिख दिया था ये लाइन और नीचे लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, टेंस प्लेस को x और वंस प्लेस को y मान लिया, तो जो तुम्हारा नंबर बनेगा, जो आपका नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 10x प्लस वाई, एंड आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, क्योंकि जो टेंस प्लेस पे होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है, अगर आप टेंस प्लेस पे होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100 पे होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10x प्लस वाई हो गया और ये नंबर बन के तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि दोनों डिजिट,
अगर टू डिजिट नंबर के दोनों डिजिट को प्लस करोगे, मतलब जितने भी डिजिट हो सबको प्लस करोगे तो 9 आएगा। तो दोनों डिजिट कौन कौन से हैं, एक्स है और वाई है, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बना दिया इसको, यस सर, ये सारा काम तो पीछे भी किया था। अब बोला है कि अगर जो तुमने नंबर बनाया है अगर उसमें तुम 27 प्लस कर दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा नंबर। चलो कर देते हैं। तो नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है, सेकंड कंडीशन है यहाँ पे, सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर नंबर में तुम प्लस कर दोगे, नंबर यही है हमारा, अगर इसमें हम लोग प्लस कर दें क्या 27, अगर इसमें 27 प्लस कर दें तो भैया जो आंसर आएगा उसको इक्वल टू के उस तरफ लिखोगे, तो आंसर में क्या आएगा कि डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे, वही रिवर्स हो जाएगा, डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो रिवर्स हो जाएगा मतलब 10y प्लस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बस डिजिट चेंज होंगे, प्लेस तो होगी नहीं। अब टेंस प्लेस पे वाई आ गया तो वाई के साथ 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब देखो फैमिली को इधर उधर करो, 10x के साथ x आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे 10x और उधर से प्लस x आके माइनस x हो गया, प्लस y यही रहने दो, उसको उधर मत भेजो, तो माइनस 10y हो जाएगा और उधर बेचारा माइनस 27 चला जाएगा। यस सर, 10x में से x निकालो 9x और y में से 10 निकालो, एक प्लस में एक माइनस में माइनस हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 27। तो 9 दोनों में से कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 27, ठीक, कॉमन ले लिया, 9 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 27 अपॉन 9, कट गया 3 आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। बहुत सही, तो भैया ये आपका सेकंड इक्वेशन बन चुका है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो ऐड करते हैं, पहला इक्वेशन क्या है, LHS को LHS, RHS का RHS। तो पहले इक्वेशन का LHS क्या है, x प्लस वाई, ठीक। दूसरे इक्वेशन का LHS क्या है, x माइनस वाई, दोनों के बीच में हमने प्लस की साइन लगा दी। इसका RHS क्या है, 9 और उसका RHS क्या है, माइनस 3, तो प्लस करके माइनस 3, ठीक है। x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया आपका 2x और y से y कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, और 2y और यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 में से 3 निकलेगा 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में था, कट के आ गया 3, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक भैया, x की वैल्यू आ गई। इस ये उठा के किसी भी क्वेश्चन में रख दो, y की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। तो उसको हम लोग रख देते हैं, लिख देते हैं putting the value of x in equation first. First equation कहाँ है, ये रहा, x यहाँ पे 3 रखो, तो यहाँ पे रखोगे 3 प्लस y is equal to 9, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y is equal to 9 minus 3, so y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, आ गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6। तो अभी कुछ बाकी है, क्या बाकी है, नंबर बाकी है, इधर लिख देते हैं। सो ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, सो जो नंबर होगा आपका, नंबर तुमने माना क्या था, सर नंबर हमने बनाया था 10x प्लस वाई, ये देखो आ गया, ये रहा 10x प्लस वाई, यही तो बनाया था, तो बस x यहाँ पे x की वैल्यू रखो, तो 10 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई में है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो 10 3 जा 30 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36, ये नंबर बन के आपका तैयार हो गया। सो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, नहीं है तो मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा, और भैया खुशी है कि हाँ सर पूरा कंप्लीट हो गया, नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस करो, और कुछ भी इसमें हो, इलॉजिकल लगा हो या नहीं समझ में आया तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया है, सो गिव द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू।